कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करिए। 100% आपके मार्क्स आएंगे बच्चों है। तो देखिए आज का टॉप टेस्ट पेपर 15 ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ जी मेंस एनडीए एंड ऑल कॉम्पिटिशन है बच्चों। 100% मार्क्स आपके पास आएंगे जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप देखना, देखो अभी जिनके भी बोर्ड के पेपर हुए हैं, ICS बोर्ड के जिसके भी हैं, CBSE बोर्ड के जो पेपर हुए हैं, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का हो, उनके बहुत अच्छे पेपर हुए बच्चों। जिन्होंने ये क्वेश्चन मैंने करवाए उनको किया है। तो देखिए आज का जो 141 क्वेश्चन नंबर 141 है, 0 से 5 √25 − h² इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों? तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले आप इसको लिखेंगे 0 से 5 √25 − 25 को क्या लिखेंगे बच्चों, 5² − h² dx, a² − x² इसके अंदर फॉर्मूला लगाइए, क्या लगेगा x/2 √25 − x² + 25/2 sin−1 x/5। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 5 तक है बच्चों। अब पहले तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया बच्चों, इसके साथ साथ आपने फॉर्मूले का यूज किया। अब आप इसमें लिमिट रखेंगे 5, तो 5 रखेंगे 25 आएगा, 25 में से 25 गए तो 0 बच्चों। फिर प्लस 25/2 sin−1 क्या आएगा, 5/5 आएगा, क्यों x की जगह 5 रखा, माइनस 0 रखूंगा तो ये 0 रखते टोटल 0 होगा, साइन इनवर्स वैल्यू की 0 होगी बच्चों। तो आपके पास केवल क्या बचा, 5 से 5 कैंसिल 1, तो 25/2 × π/2 ये आ गया बच्चों आपके पास इसका आंसर। क्या है बच्चों, 25/2 तो ये रह गया, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आ गई, इस तरह से 25π/4 इसका आंसर आएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चों पहले इसमें चेंज करें, फिर डायरेक्ट लिमिट का यूज करके डायरेक्ट लिमिट का यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 142 फाइंड ऑर्डर इन डिग्री। कल भी मैंने बताया था, बार बार आपको बताऊं, 101% क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ डिग्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट फॉर्म में लिखेंगे। जब तक स्टूडेंट फॉर्म में नहीं लिखे तब तक ऑर्डर ऑफ डिग्री नहीं बताए, तो आप इसे 1/2 को अपॉन में लीजिए बच्चों, 1/2 क्यों, लॉग का फॉर्मूला लगाया, dy/dx बराबर क्या गया, 3x + 4y आ गया। अब 2 को इधर लीजिए बच्चों पहले, तो dy/dx बराबर क्या गया, 2 को इधर लिए ना पहले, 6x + 8y है ना, और लॉग को डाइंग e बनेगा बच्चों, ये बन गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, बना ना। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक आप ऑर्डर ऑफ डिग्री नहीं बता सकते। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया बच्चों, ऑर्डर 1 डिग्री 1 आएगा और डिग्री 1 आएगी, क्यों, हाईएस्ट प्राइम डेरिवेटिव 1 है, 1 प्राइम है और पावर भी 1 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिग्री 1 आएगा। नेक्स्ट इफ fx = x + 2 फाइंड f/2। तो देखिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास कंपटीशन में रखा है, बोर्ड में भी रखा है, f(o, f)2, o का मतलब कंपोजिशन फंक्शन, तो क्या है बच्चों f(2, f)2, अब देखो 2 है ना, इस o का मतलब कंपोजिशन फंक्शन, इसको अपने हटाया, o को ब्रैकेट का वर्क किया, f(2) देखो बराबर का 2 ये रहा, 2 इसमें रखो, कितना गया f(4), अब 4 किसमें रखोगे बच्चों, इसमें 4 × 3 = 7 आंसर, ये बात आपके पास आ गई। देखो यह है 2 से 1/2 और यह है 5 तक है बच्चों आपके पास, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या गया, 4 इसमें रखा जाएगा और ये 5 आपके पास इसमें रखा, तो कितना गया 7, कितना है बच्चों 7 आंसर, कैसे 4 इसमें रखा, 4 × 3 = 7 क्लियर है बच्चों सबको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चों, फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। आप देखो dx/dy है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना आपको, तो ये बन गया आपके पास, ये y है तो ये y होना चाहिए, x और x होना चाहिए, तो इसका मतलब p' हो गया cot y। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा बच्चों, e^cot y dy, cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y log sin y, e से log कैंसिल हुआ, क्या आंसर आ गया इसका, sin y आ गया बच्चों, ये कहलाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, e^cot y, कैसे, p' y, y है तो y की रिस्पेक्ट होगा, x होता तो x की रिस्पेक्ट होता,
तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या गया, लॉग साइन वाई, ई से लॉग कैंसिल होगा, साइन वाई आपके पास इसका आंसर आएगा। इस तरह से ये था 144 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 145, ठीक है बच्चों, तो देखिए 145 क्या होगा इसका, देखिए क्या क्या दे रखा है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूस है, बताओ k की वैल्यू क्या होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2, सो अंडरलाइन एफ 2 इज इक्वल टू क्या, एफ 2 आ गया बराबर एफ 2 प्लस 0, क्यों, इन दोनों का यूज होना कंपल्सरी है, चाहे तो 2 माइनस 0 ले लो चाहे 2 ले लो, तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 5 बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब आप देखो 2 प्लस एच का मतलब 2 से दे रहे हैं, यहां पर क्या दे रखा है केवल k, इसीलिए अपन यहां पर देंगे k, तो k बराबर कितना आ गया बच्चों, 9 आंसर। ये बात आपके पास आ गई, चाहे एक नंबर का है चाहे 2 मार्क्स का है चाहे 3 मार्क्स का है चाहे 4 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, सबका सिस्टम ये रहेगा बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है इसके अंदर कौन सा, 146 में क्या है बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हूज डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल डायगोनल गिवन है, तो आपको पता है डायगोनल ये तो ये रहा एक ये रहा, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल गिवन है एरिया इज इक्वल टू ए बटे में 2 ए क्रॉस बी का मोड, ध्यान रखिए पैरेललोग्राम के डायग्राम दे रखे डायगोनल गिवन है तो 1/2 लगेगा, और अगर एडजेंट साइड गिवन है तो आपको ए क्रॉस बी का मोड ही निकालना होता है, इस बात के ध्यान रखें ऐसे गलती नहीं करें। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, ठीक है, अब आई यहां पर 3 एक 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 माइनस एक एक बराबर आई एक, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का एक माइनस का जे, 3 माइनस का एक प्लस का के माइनस का 3 और माइनस का एक, डिटरमिनेंट को खोल दिया बच्चों, क्या आ गया 2i प्लस माइनस का 2j माइनस का 4k आ गया, तो a क्रॉस b का मोड मोड क्या आ गया बच्चों, लेंथ क्या आ गई इसकी 2π² 4 माइनस 2π² 4 माइनस 4π² 16 √24 आपके पास आ गया, सो एरिया क्या हो गया, एरिया एरिया बराबर 1/2 इंटू √24 आंसर, स्क्वायर यूनिट लिखना चाहो तो स्क्वायर यूनिट लिख दो, एरिया में सब पॉजिटिव आता है, स्क्वायर यूनिट आंसर ये आपके पास आ गया बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से इसका एरिया निकालते हैं बच्चों पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 - x माइनस √x √1 - x² पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और माइनस साइन इनवर्स √x, क्यों आपको पता साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स √1 - y² माइनस वाई √1 - x², तो एक्स कीजिएगा तो एक्स है और वाई कीजिएगा √x है बच्चों, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² और साइन इनवर्स √x का क्या होगा 1/√1 - √x² और √x का डेरिवेटिव 1/√x आंसर। आप देखिए एनडी का पेपर उठा के देखो, 12th बोर्ड का पेपर उठा के देखो, जीमेंस का देखो, सभी के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास आ रखा है बच्चों, तो इसमें फॉर्मूले का यूज किया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एबीसी एंड पैरेलल टू जेड एक्स एक्स, जैसा कि आपको पता है जेड एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, जेड एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्स एक्स की 0 0 1, एक्स एक्स की 1 0 0 और वाई एक्स एक्स की 0 1 0, तो देखो जेड एक्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है 0 0 1, तो इक्वेशन क्या हो गया एक्स माइनस ए अपॉन 0 बराबर वाई माइनस बी अपॉन 0 जेड माइनस सी अपॉन 1, क्यों जेड एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1, ये आंसर होता है बच्चों इसका।
सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx बराबर 1 plus x plus y plus xy। पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, dy upon dx बराबर 1 plus x, इसमें से y को मना रहा बच्चों, तो 1 plus x एक हो गया है ना, 1 कॉमन ले लिया प्लस y कॉमन लिया तो 1 plus x आ गया, तो टोटल क्या बन गया 1 plus x और 1 plus y, या ये देखो बच्चों, तो dy upon dx बराबर 1 plus x 1 plus y। अब आप क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, क्या करेंगे इसमें, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल, द वेरिएबल, वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल कैसे, dy के नीचे 1 plus y और 1 plus x into dx, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1 upon 1 plus y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 plus y बराबर log 1 plus x plus का c। अब देखो दोनों log log है तो आप इसको log c लिख दो बच्चों, नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, log इसलिए लिखा था कि ऑप्शन का आंसर अपना राइट जाए, तो आप देखिए log 1 plus y is equal to log log n plus log n c into 1 plus x, log से log कैंसिल हुआ, 1 plus y बराबर क्या हुआ, 1 plus x into c आंसर, तो बच्चों इसका आंसर आएगा। अब एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में डाल रखा था, क्या उसमें जीरो करने के बाद वो आंसर आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों, जिसने भी आंसर सवाल पूछा था उसका जवाब ये है कि उसका आंसर वही आएगा जो उसने जीरो बराबर करेंगे, तो इसलिए बच्चों आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए, आज आप इसको पढ़ेंगे तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमारे को ये टॉपिक पढ़ाओ, तो वो टॉपिक आपको मैं कल पढ़ा दूंगा बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। तो देखिए बच्चों ये सवाल का जवाब था, लास्ट एक और क्वेश्चन है, पी ए बराबर 1/2, पी वी बराबर 7/24, पी ए बार इंटरसेक्शन पी बार बराबर 1/4, व्हाट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होती है बच्चों पता आपको, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इंडिपेंडेंट है, तो ये पी ए बार इंटू पी बी बार अगर है तो ये बराबर होना चाहिए, यही बात है, इसका मतलब यहां देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, पी ए बार, पी ए बार का मतलब है 1 - PA, ठीक है, और पी बी बार का मतलब क्या है 1 - PB, तो एक में से 1/2 हो गया 1/2 इंटू 24 में से 7 गया 17/24, तो आपने क्या देखा 17/48 आया, जबकि इधर क्या 1/4 है, नॉट इज इक्वल टू इसके बराबर, इसका मतलब इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए बच्चों इंडिपेंडेंट कब होता है, जब इसका ये भाग इसके बराबर होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को ये गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन नहीं है, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तब तो इंडिपेंडेंट इवेंट होता। तो इस तरह से बच्चों आपके पास 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जब तक आपका इसका विश्वास, जिसको बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे तो आपके नंबर भी नहीं आएंगे। मैं 100% आपको कहना चाहता हूं आप अपनी कॉपी में लिखकर इनको सोल्व करें, 150 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 150 में आपके 150 में 100% अगर क्वेश्चन नहीं मिले तो आप उसको लाइक मत करना, तो इसलिए बच्चों आप इन क्वेश्चन को करिए आपके 100% मार्क्स आएंगे, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम डालिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को, सभी को जिसको भी सेंड करना है सेंड करिए, ताकि मैक्सिमम नंबर आपके पास आए और उनके भी नंबर आए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।